कोई अगर नौकरी भी करता है सही ढंग से करना चाहिए। कि एक जो मैडम है एडीओ, उनका नाम है टिपरामी मनलोंग, इनका पास दो एसटी है, ये कैसे हुआ? एक आदमी का पास दो एसटी कैसा हो सकता है? अथॉरिटी ने जिसने ये एसटी को इशू किया उसका ऊपर तो लीगल एक्शन लेना ही पड़ेगा। जो असम से भी एसटी लेता है, फिर अरुणाचल से भी लेके फिर अरुणाचल में नौकरी करता है, ये हम लोगों का जनरेशन को पेट का लात मार रहा है। नौकरी हटा देने से ठीक है, और उसके एसटी को कैंसिल करके जो लीगल एक्शन ले सकता है, जो फॉर्जरी केस बन सकता है, उसका ऊपर में केस रजिस्टर करना है। अरुणाचल ही चाइनीज टेरिटरी बन गया तो हम लोग कहाँ जाएगा? उन लोग जो हमारा वेस्ट कमिंग का नामसू एरिया को अपना लैंग्वेज में लिखा लासू री, और हमारा जो पपुमपरे में है जो बोबिया बस्ती है, ये सामने में जो सगाली का सामने में, सगाली और मिंग्यो का सामने में, उसको लिखा है दियोपिरी। हम लोग को पहले पता नहीं था कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट को क्या नाम दिया। जिस तरह से हमारा प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि एक इंच ज़मीन को चूने नहीं देगा, आज तो ज़मीन चोरी है, हमारा अपना ही घर को उनका नाम रख रहा है, हमारा अरुणाचली का आदमी को, अरुणाचली को लेके चाइनीज किडनैप भी करता है। ऑल अरुणाचल प्रदेश ईस्टर्न यूनियन आपसू का तरफ से जो रिसेंटली हमारा अरुणाचल को जो चाइनीज गवर्नमेंट ने अपना समझ के जो नाम रखा हमारा अपना टेरिटोरी को, उसका ऊपर में आज आपसू हम कंडेम करता है ये बात को लेके। अरुणाचल जो है इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है, सिंस हम लोग कभी भी चाइना को अपना आदमी माना नहीं है, चाइनीज आदमी जितना भी हो हम लोग उसको कभी रेस्पेक्ट नहीं किया। हम लोग अरुणाचली जो है इंडियन है और इंडियन ही रहेगा, अरुणाचली कभी चाइनीज नहीं बन सकता है। और ये जो ज़मीन है, ये जो ज़मीन जो है हम लोगों का है, ये अरुणाचल प्रदेश का जितना भी ट्राइबल आदमी उनका है, ये कोई चाइनीज गवर्नमेंट का नहीं है। तो इस चीज़ को हम लोग देखते हुए आपसू आज बहुत सेंटीमेंट है। ये जो अनइथिकल चीज़ जो हुआ है, जो चीज़ होना नहीं चाहिए था, उस चीज़ को आज चाइनीज गवर्नमेंट जो हमारा जो अरुणाचल का नाम को जो लेके अपना बना रहा है, उसको हम लोग कंडेम करता है। और हम लोग मरते दम तक अरुणाचलिए कभी भी चाइनीज नहीं हो सकता, और हमारा ज़मीन को भी कभी हम चाइना का हाथ में नहीं दे सकता है। आज हम लोग ऑल अरुणाचल प्रदेश ईस्टर्न यूनियन आपसू सरकारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अरुणाचल का गवर्नमेंट को हम लोग ये बात कर रहा है, ये जो रिनेमिंग किया है अरुणाचल का नाम को लेके, हमारा यहाँ में डिस्ट्रिक्ट में वेस्ट कमिंग में, पापुमपारे में, अपर सुबनसिरी में, अपर सियांग में, अंजो डिस्ट्रिक्ट में, कुरुंगकमे में, मेचुका में, वेस्ट कमिंग में जो हम लोगों का एरिया को लेके उन लोगों ने अपना नाम लिया, ये सबसे बड़ा कंडेम वाला चीज़ है। इसके लिए इस चीज़ को एज अरुणाचली, एज इंडिजिनस ट्राइबल ऑफ अरुणाचली हम लोग इसको नहीं मानता है। इसके लिए कल परसों हम लोग आपसू का तरफ से इसका ऊपर में रिसनमेंट हम लोग जारी करेगा, हम लोग इसका ऊपर में प्रोटेस्ट रैली करेगा। तो इसके लिए हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को अपील करता है, पॉलिटिक्स खेलिए आप लोग, कुछ भी कीजिए, लेकिन अपना ज़मीन को किसी का अंदर जाने के लिए मत दीजिए। अरुणाचल का गवर्नमेंट भी बीजेपी है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बीजेपी है, ये एक ही सरकार होके अगर इस तरह से करने देगा तो हम लोग दुख लगता है। जिस तरह से हमारा प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि एक इंच ज़मीन को चूने नहीं देगा, आज तो ज़मीन चोरी है, हमारा अपना ही घर को उनका नाम रख रहा है, तो इसमें हमारा भारत सरकार क्या कर रहा है? इसलिए हम आपसू का तरफ से भारत सरकार को भी अपील है, और हमारा स्टेट का गवर्नमेंट से भी अपील है कि इस तरह का चीज़ को दोबारा कोई कंट्री हम लोग का ऊपर में ऐसा ना करे, इसके लिए सख्त से सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। उसके लिए इंटरनेशनल फोरम में बात करना है, इसको लेकर हमारा यूएनओ में जाके हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव इसको बात करना है सही ढंग से, इंटरनेशनल कोर्ट में इसको लेके बात करना है। ये एक कंट्री का दूसरा कंट्री कोई क्लेम नहीं कर सकता है। हम लोग एक सॉवरेंटी स्टेट है, सॉवरेंटी कंट्री है, जहाँ में हम लोग खुशी से रहता है। कोई हम लोगों को यहाँ रहने दे के कोई दूसरा कंट्री हम लोग क्लेम करना, ये गलत बात है। इसीलिए आपसू सरकार को अपील कर रहा है कि ये चीज़ को दोबारा ऐसे होने नहीं देना है। बहुत हिस्ट्री रिपीट हुआ, हमारा अरुणाचली का आदमी को, अरुणाचली को लेके चाइनीज किडनैप भी करता है, फिर प्रेशर देने से आता है, फिर किडनैप करता है, फिर उसको सरकार बात करता है, फिर वापस लाता है। ये चूहा बिल्ली का खेल जो शायद नहीं खेलने से ठीक है, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट सख्त से सख्त कदम उठाने से ठीक है। अरुणाचल में
हम लोग एज ए इंडियन, हम हमारा जितना भी अभी अरुणाचल में जो जन्म लिया कभी अपना आपको चाइनीज समझा भी नहीं और समझेगा भी नहीं। इसलिए भारत सरकार इस चीज़ को सही ढंग से जानना है, समझना है। केवल यहाँ अरुणाचल में रैली में आके, पॉलिटिकल रैली में आके और भाषणबाजी में सिर्फ अरुणाचल को हम बचा रहे, ये नहीं होना चाहिए। आपका काम भी एक्शन में आना चाहिए। इसके लिए हमारा अरुणाचल सरकार इसको सही ढंग से परस्यू करना पड़ेगा। हम अरुणाचल गवर्नमेंट को भी अपील करता है, इसलिए हम लोग अभी आपसू बहुत जल्द आप लोगों के माध्यम से बता रहे हैं। बहुत सारा स्टेट में इशू है, बहुत सारा चीज़ करने के लिए है, लेकिन कल अरुणाचल ही चाइनीज टेरिटरी बन गया तो हम लोग कहाँ जाएगा। इसीलिए ये सब इशू को भी साथ में लेते हुए आज हम लोग इस इशू को आगे लेके जाएगा। हम लोग सरकार को बात करेगा और दिल्ली में भी जाके अगर हम लोग सकेगा हम लोग नेशनल कैपिटल में भी जाके इसका ऊपर में हम लोग प्रोटेस्ट रैली करेगा। तो हम लोग होप करता है आप लोग हमारा जो अरुणाचल का सेंटीमेंट को दिल्ली वाला भी समझना है और हमारा अरुणाचल गवर्नमेंट उसको समझ के उसको बताना पड़ेगा। चाइनीज गवर्नमेंट जो क्लेम किया है वो उन लोग का नाम को लेते हुए उन लोग अपना लैंग्वेज में लिख के अपना जो डायलेक्ट है अपना जो रिटर्न फॉर्म में लिख के उसको निकला गया है। तो सोर्स जैसे हम लोग भी सोर्स को कलेक्ट करता है तो वो अभी गवर्नमेंट का पास अवेलेबल है। तो इसमें वो नाम आपको लोग को हम बता देगा, ये नाम ऐसा है उन लोग जो हमारा वेस्ट कमिंग का नामसू एरिया को अपना लैंग्वेज में लिखा लासू री, और हमारा जो पपुमपरे में है जो बोबिया बस्ती है ये सामने में जो सगाली का सामने में सगाली और मिंग्यो का सामने में उसको लिखा है दियोपीरी, और हमारा जो अपर सियांग में है नेंगमू नेंगनू कमरा बारिंग इसको फिर लिखा है दादोंग, और उसका बाद फिर अपर सियांग में जो है हमारा जेरू उसको लिखा है दोंगजिला पिंग, और उसके बाद फिर उन लोग का जो वर्ड जो है हम लोग समझ में नहीं आता है तो उसका बाद फिर इसमें लिखा है अंजो डिस्ट्रिक्ट में इसमें फिर दिया है गुयुतोंग, और फिर हमारा इधर कुरुंगकमे में जू जू न्यू जे गंगरी ऐसा ऐसा नाम देके जो हम लोग अपना एरिया का नाम को लोग बदल रहा है। तो सोर्स जो है हम लोग कहीं से भी कलेक्शन कर लिया और इसका ऊपर में हम लोग और सोर्स ले कलेक्ट कर रहे हैं। हमको बिना सोर्स से हम बात नहीं कर सकते। उस समय हमको पता नहीं था कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट को नाम लिया। अभी बहुत सारा एरिया का नदी का नाम को लिया, पहाड़ का नाम को लिया उन लोगों ने, अभी कौन सा वाला उसको भी हम लोगों को पता नहीं, इसलिए हम लोग उसको पता कर रहे हैं। तो जिस तरह से हम लोगों को एरिया का नाम मिला जैसे सोर्स से हमको पता चला उस सोर्स के हिसाब से ही हम लोग को प्रेस ब्रीफिंग करना है, जगह को बताना है, ये है। तो इसलिए हम लोग को थोड़ा सा टाइम लगा इसके लिए। अमित शाह जो है भारत सरकार का है और अपना एरिया में अपना घर में कहीं भी जाके कुछ भी कर सकता है। आप चाइनीज जितना भी क्लेम कीजिए, अरुणाचल जो है इंडिया का पार्ट है तो गवर्नमेंट इंडिया आके यहाँ कुछ भी कर सकता है। तो दूसरा बात इसलिए मैंने बोला रैली में केवल बात करने से नहीं, इसको एक्शन में लाना है। जिस तरह से जम्मू एंड कश्मीर में कुछ होता है तो फोर्स चला जाता है, जिस तरह से पंजाब में कुछ होता है फोर्स चला जाता है, तो हमारा इधर भी क्यों ना हो। आपने आपने हमारा भारत सरकार ने मोदी जी ने यह कहा था एक सर काटेगा तो 100 सर काट के लाएंगे, तो इस तरह का हम लोगों को एक्शन चाहिए। तो ये एक्शन के लिए अभी हम लोग अपील कर रहे हैं। तो इसलिए भारत सरकार जो अरुणाचल में आके जो डेवलपमेंट कर रहा है, ये हमारा एरिया है, भारत सरकार का एरिया है, इसमें डेवलपमेंट एक्टिविटी कुछ भी कर सकता है। यह हाईवे बना सकता है भारत सरकार, यह जो भी कुछ भी कर सकता है यहाँ में, या मैं हाइड्रो पावर भी लगा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और भारत सरकार जो चाहे उस चीज़ को कर सकता है। चू को उतारने वाला बहुत आदमी होता है, उसको हम लोग रिगार्ड भी करता है, लेकिन एक्शन में लाने के लिए एक सही ढंग का ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। तो उस ऑर्गेनाइज एक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन होने के हिसाब से आज हम ये बात को कर रहे हैं। बहुत आदमी होगा बोलने वाला, उसका एक्शन कोई नहीं लेता है। तो हम लोग आज एक अप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म है जिसका थ्रू से हम लोग सरकार को सीधा बात कर रहे हैं। ज़माना ऐसा है कि पहुँचने के लिए दरकार नहीं है, अगर कुछ कैजुअलिटीज होता है तो हम लोग को फिजिकल अपीयरेंस दरकार होता है। आजकल टेलीफोनिक कन्वर्सेशन से हम लोग सब कुछ लिया है, और जो हम लोग का सोर्स से लिया है उस सोर्स का थ्रू से हमने ये किया, क्योंकि अभी हम लोग को पहले पता नहीं था कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट को क्या नाम दिया, उस एरिया का नाम को क्या, हम लोग को पता नहीं था। अभी हम लोग को पता चला सोर्स का थ्रू से, तो उस सोर्स का थ्रू से आप लोगों को हम लोग बता रहे हैं जगह का नाम को, नहीं तो पहले कोई मालूम नहीं था। उन लोगों ने चाइनीज गवर्नमेंट ने ओनली लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का नाम दिया तो उसको निकालना पड़ता है, तो उसका हिसाब से हम लोग उस सोर्स तक जो अभी हम लोग को मिला है उसका वजह से आप लोगों को बताया। बाई टेलीफोनिक हम लोगों ने कन्वर्सेशन बहुत किया, केवल इलेक्शन का रैली में पॉलिटिक्स का रैली में पॉलिटिकल इशू में सिर्फ अरुणाचल को बचाएगा नहीं बोलना है,
उसको एक्शन में लाना चाहिए। इसलिए हम बोले कि भारत सरकार आप एक्शन में आइए, वंस फॉर ऑल इसको ख़त्म करने के लिए कीजिए। आपका बायलैटरल एग्रीमेंट क्या है, डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट क्या है, डिप्लोमेटिक रिलेशन क्या है, उस चीज़ को स्ट्रॉन्ग से आप परस्यू करना पड़ेगा। हमारा एरिया को अगर वो अपना बोलता है तो हमको इंटरनेशनल कोर्ट में जाना पड़ेगा, उसको जाने के लिए हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ को लेकर यूएनओ में भारत सरकार बात करना पड़ेगा, हमारा अरुणाचल गवर्नमेंट जाके बात नहीं कर सकता है। तो ये सोल्यूशन को लाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का पास है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको जल्द से जल्द करना चाहिए। तो उसके लिए ये जो प्रेस मीडिया जो आप लोग आया है, आप लोगों को धन्यवाद। दूसरा जो हमारा अभी यहाँ में अरुणाचल में बहुत सारा चीज़ जो है हम लोग समझ में नहीं आ रहा है। कोई अगर नौकरी भी करता है सही ढंग से करना चाहिए। अभी हम लोग को सोशल मीडिया में अभी दिखाई दे मिल रहा है कि एक जो मैडम है एडीओ, उनका नाम है टिपरामी मनलोंग, इनका पास दो एसटी है। ये कैसे हुआ, एक आदमी का पास दो एसटी कैसा हो सकता है? ये बहुत क्वेश्चनेबल बात है। जो अथॉरिटी ने जिसने ये एसटी को इशू किया उसका ऊपर तो लीगल एक्शन लेना ही पड़ेगा। और आज हम लोग अरुणाचल एक ऐसा जगह है जहाँ में हमारा इंडिजिनस नौकरी के लिए लड़ रहा है, हमारा लोकल यहाँ में ट्राइबल नौकरी के लिए लड़ रहा है, लेकिन ये रिकॉर्ड का मुताबिक देखने से जो असम से भी एसटी लेता है, फिर अरुणाचल से भी लेके फिर अरुणाचल में नौकरी करता है, ये हम लोगों का जनरेशन को पेट का लात मार रहा है। तो इसलिए आपसु इसको कंडेम करता है और स्टेट गवर्नमेंट को ये बोलता है इसका ऊपर जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए और इसको टर्मिनेट करना है। और जिस ये डिपार्टमेंट जिस ऑफिसर ने इसको इशू किया उस ऑफिसर का ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए। आदमी को रेंडमली किसी को सर्टिफिकेट इशू नहीं करना चाहिए। ये रेंडमली सर्टिफिकेट इशू करने का वजह से बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग निकलता है। इसलिए हम अरुणाचल गवर्नमेंट को अपील करता है कि आप जो है इस मैटर को लेकर सीरियसली लीजिए, नहीं होने से ये भी बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। तो हम लोगों को मुद्दा बनाना नहीं, जो चीज़ को सॉल्व कर सकता है, जिस चीज़ को टेबल में बैठ के बात करके ख़त्म कर सकता है, उसको आराम से कीजिए। इसलिए इस आदमी को जो एडीओ मैडम है इसको नौकरी हटा देने से ठीक है, और उसके एसटी को कैंसिल करके जो लीगल एक्शन ले सकता है, जो फॉर्जरी केस बन सकता है, उसका ऊपर में केस रजिस्टर करना है। एडीओ मैडम का उसका जो है नामसाई का है वो, और उसमें किस तरह से आया कैसे आया उसका हिस्ट्री को अभी हम लोग ढूंढने जा रहे हैं। अभी वो ओरिजिनली नामसाई का है ना असम का है, उस चीज़ को अभी हमको पता करना है। इसमें हम लोग कंस्पिरेसी लगता है। आप अपना ही जगह में पहला पोस्टिंग में ही अपना जगह बैठ गया तो क्या रीज़न हो सकता है, उसको हम लोग देखेगा। थैंक यू।